अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बच्चों द हेयर एंड द टॉर्टॉइस इस कहानी को पढ़ेंगे। आज हम बच्चों एक खरगोश और एक कछुए की कहानी पढ़ेंगे। लिसन एंड रीड अलाउड, सुनिए और बुलंद आवाज से पढ़िए। तो चलिए बच्चों अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। वंस अ हेयर एंड अ टॉर्टॉइस decided to have a race. You are so slow. I am so fast. तो बच्चों एक मरतबा एक खरगोश और एक कछुआ दौड़ का मुकाबला लगाना तय करते हैं। खरगोश कछुए को कहता है बच्चों कि तुम बहुत सुस्त रफ्तार हो और मैं बहुत तेज रफ्तार हूँ। Let us run a race up to the mango tree. तो बच्चों ये कछुआ खरगोश से कहता है तो चलो हम आम के दरख्त तक दौड़ने का मुकाबला करें। यहाँ पर देखिए ये आम का दरख्त है इधर, तो कछुआ आम के दरख्त तक दौड़ का मुकाबला लगाने का कहता है खरगोश को। हा हा हा, तो बच्चों खरगोश कछुए पर हंसता है। द रेस बिगन, द हेयर रन विथ लॉन्ग लिप्स, होप होप होप। तो बच्चों रेस शुरू हो गई और खरगोश जो है वो लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ दौड़ने लगा। होप 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 इस तरह से आवाज उसके छलांगों से आ रही थी। द टॉर्टॉइस वॉक्ड स्लोली, प्लॉट प्लॉट प्लॉट। और ये कछुआ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फुतक फुतक कर चलने लगा। इस तरह से जब कछुआ चल रहा था तो प्लॉट प्लॉट आवाज आ रही थी बच्चों। द हेयर कैम टू अ कैरोट पैच। फिर बच्चों खरगोश जो है वो एक गाजर की बाड़ी के पास पहुंचा। यम्मी, व्हाट लवली रेड कैरोट्स। द टॉर्टॉइस इज फार बिहाइंड, आई विल ईट अ फ्यू कैरोट्स। फिर खरगोश कहता है बच्चों वाह कितनी प्यारी प्यारी लाल लाल गाजर है, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं कुछ गाजर खा लेता हूँ। बट ही एट अ लॉट ऑफ कैरोट्स, क्रंच क्रंच क्रंच। लेकिन बच्चों कछुआ जो है क्रंच क्रंच करते हुए बहुत सी गाजरें खा लेता है। देन द हेयर केम टू अ रेडिश पैच। फिर बच्चों खरगोश जो है वो एक मूली की क्यारी के पास आया। स्लर्प, व्हाट जूसी व्हाइट रेडिशेस, आई विल ईट ओनली अ फ्यू। खरगोश मूली को देखकर कहता है जबान चटकाते हुए वाह कितनी सफेद भक रसीली मूलियां है, मैं सिर्फ थोड़ी सी खाऊंगा। बट ही एट अप क्वाइट अ फ्यू, चम्प चम्प चम्प। लेकिन बच्चों खरगोश जो है वो चम्प चम्प करते हुए बहुत सी मूलियां खा लेता है। देन द हेयर केम टू अनदर वेजिटेबल पैच। इसके बाद खरगोश सब्जी भाजी की बाड़ी पर आया। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स सो गुड टू ईट। खरगोश कहता है ताजा पत्तियों वाली सब्जियां खाने में बहुत अच्छी होती है। सो ही एट अप क्वाइट अ फ्यू, फिर वो इसलिए बच्चों खूब सी सब्जियां खा लेता है। द हेयर वॉज नाउ टू फुल, ही रन होप इटी होप होप इटी होप। फिर बच्चों खरगोश का पेट खूब भर गया था, वो धपक धपक दौड़ा। ही वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, आई विल टेक अ लिटिल नैप। इसे बच्चों बहुत नींद आ रही थी, इसने कहा मैं एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। तो बच्चों खरगोश जो है वो एक झाड़ के नीचे सो गया। ही स्लेप्ट ऑन एंड ऑन, तो बच्चों वो खरगोश जो है वो सोता ही रहा। ऑल दिस वाइल द टॉर्टॉइस डिडंट स्टॉप, ही वॉक्ड ऑन एंड ऑन। इस सारे वक्त में बच्चों कछुआ जो है वो कहीं नहीं रुका, वो चलता ही रहा, आगे आगे चलता ही रहा सिर्फ। द टॉर्टॉइस रीच्ड द मैंगो ट्री, कछुआ जो है बच्चे वो आम के दरख्त तक पहुंच गया। द हेयर वॉक अप, ही रन टू द मैंगो ट्री। अब बच्चों खरगोश नींद से जागा और वो आम के दरख्त की तरफ दौड़ा। व्हाट डिड
तहर सी। खरगोश ने क्या देखा? हा, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। कछुआ हंसता है बच्चों, हा और कहता है सुस्त लेकिन साबित कदम मुकाबला जीतता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये कहानी खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज बच्चों।